हेलो फ्रेंड्स, मैं हरकिशंदर जी आज आपके लिए लाया हूँ सीडी स्ट्रोबोस्कोप। यहाँ पे हमारे पास एक सीडी है जिसके ऊपर एक कागज़ लगा हुआ है जिसके अंदर अलग अलग तरह के डिज़ाइन से बना हुआ एक कागज़ चिपका हुआ है। यहाँ पे ये अलग अलग तरह के रंगों से बना हुआ कागज़ बनाने का भी एक साइंस है जिसको हम अभी ये सीडी को घुमाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलो हम ये सीडी ऐसे घुमाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये उल्टी दिशा में घूम रहा हो ऐसे लग रहा है, ये आगे की दिशा में घूम रहा हो ऐसे लग रहा है, फिर ये भी जो है वो उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो यहाँ पे जो व्हील्स जो हमें उल्टी दिशा में घूमते हुए दिख रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं उनके घूमने की आरपीएम जो है वो कम होते हैं तो उसकी वजह से चित्र जो है वो उल्टी दिशा में घूमता हुआ लग रहा है। जब ये सीधी दिशा में घूमता हुआ लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ये घूमता हुआ दिख रहा है। जब ये घूमता है तो ये जो उल्टी दिशा में घूमता हुआ हमें लग रहा है तो जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ये जो घूम रहा है उसके आरपीएम कम है तो उसकी वजह से वो हमें उल्टा घूमता हुआ दिख रहा है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे तो ये सीधी दिशा में घूमता हुआ लगेगा हमें। तो इसे हम सीडी स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन हमें कार के जो महंगी कार होती है उनके अलॉय व्हील में दिखने को मिलती है। जब वो कार के व्हील्स घूमते होते हैं तो वो उल्टी दिशा में घूमते हुए हमको लगते हैं। तो उसके पीछे भी यही साइंस है कि जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और आरपीएम कम होते हैं तब वो उल्टी दिशा में घूमता हुआ लगता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम, इस खिलौने को हम सीडी स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। थैंक यू।